हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डेफ्ट एजुकेशन वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट द रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। दैट काफी से व्यूज मैंने स्टूडेंट्स से यहां पर लिए हैं, जिन्हें मैं फ्यूचर डॉक्टर भी कहूंगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल को देखते हैं वो नीट एस्पायरेंट्स हैं या जिन्होंने नीट एग्जाम दिया है, एंड इंशाल्लाह दे मे बी द फ्यूचर डॉक्टर्स। तो उन्हीं के व्यूज को लेते और साथ ही साथ कुछ सेलिब्रिटीज के व्यूज, कुछ पॉइंट्स जो हैं जो हम सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने भी इस रिजर्वेशन सिस्टम के ऊपर कौन कौन सी बातें कही हैं और पॉलिटिकल सीन बिहाइंड दैट क्या होने वाला है, हम सब कुछ आज के वीडियो में देखने वाले हैं। और सबसे बड़ा यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट इस समय है, दैट इज एसटी एंड पहाड़ी पीपल्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, मैं कहता हूं ये जो आपका फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन सिस्टम है, इसके अंदर इस समय एसटी और पहाड़ी पीपल जो है उनके अंदर इस समय रिजर्वेशन सिस्टम लेकर एक तनाव सा पैदा हुआ है, तो हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं कुछ व्यूज शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ जो स्टूडेंट्स ने किए थे। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। और आप भी अपना व्यू रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में क्या रखते हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट इस समय चल रहे हैं उनके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। तो चलिए मैं पहले आपके साथ कुछ व्यूज शेयर करूंगा जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के कुछ व्यूज शेयर करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इनके व्यू। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं व्यूज स्टूडेंट के। आप देख सकते हैं मैंने अपने कम्युनिटी के ऊपर दिया था, व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट रिजर्वेशन सिस्टम, शेयर योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन, आई विल डिस्कस। तो मैंने स्टूडेंट्स से कहा था कि आप रिजर्वेशन सिस्टम जो इंडिया के अंदर है उसके ऊपर अपने पॉइंट्स रखें। तो हम देखते हैं क्या व्यूज जो है स्टूडेंट्स के रहे हैं। तो चलिए हम देखेंगे एक एक करके। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे एवरी सेक्शन डिजर्व क्वालिटी एजुकेशन, रिजर्वेशन इज ऑलवेज मेंट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ अ वीकर सेक्शन, व्हाट इफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी हैव एवरीवन विद गुड एजुकेशन एंड ऑन द कंट्रारी द अदर पीपल आर लाइक नोमेड्स बिकॉज दे डिड नॉट गॉट एज मच कॉन्फिडेंस एज दैट ऑफ हिम, रिजर्वेशन इज गुड बट रूल शुड बी स्ट्रिक्ट एंड टफ। तो यहां पर इस कमेंट सेक्शन को पढ़कर ये लग रहा है दैट स्टूडेंट जो है उनका ये व्यू बहुत ही अच्छा है, उनका कहना है दैट रिजर्वेशन सिस्टम अच्छा है लेकिन रिजर्वेशन सिस्टम जो है ये थोड़ा टफ और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इन द सेंस कि अगर कोई स्टूडेंट एसटी है तो एसटी स्टूडेंट ही को सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए, कोई स्टूडेंट आरबीए से बिलोंग कर रहा है आरबीए को ही मिलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ओपन या ऐसा ना हो कि अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अच्छी कोचिंग ले रहा है उसके बावजूद भी जो है वो क्लेम करेगा या एसटी सर्टिफिकेट जो है वो फ्रॉड से बनाएगा या कोई और फ्रॉड से करेगा, तो इस कमेंट का बिल्कुल यही मतलब आ रहा है। उसके बाद दूसरा यहां पर साकिब भट्ट की कमेंट है, रिजर्वेशन पॉलिसी इज गुड बट देयर शुड बी अ लिमिट व्हेन 561 मार्क्स इज नॉट सिलेक्टेड इन नीट बट 261 इज सिलेक्टेड इन नीट एंड बिकम्स अ डॉक्टर। तो देखिए साकिब भट्ट का कहना है रिजर्वेशन पॉलिसी तो ठीक है लेकिन आप एक पॉइंट को देखें कि यहां पर 561 स्टूडेंट मार्क्स लाता है ओपन मेरिट कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो जो है सिलेक्शन नहीं हो पाती बट 261 इज सिलेक्टेड इन नीट। आप देखिए फर्क यहां पर क्या है, बेसिकली एक ओपन मेरिट स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड होता है या एक ओपन मेरिट स्टूडेंट उसकी स्कूलिंग से लेकर उसके कोचिंग सेंटर तक हर एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है और आपने जो यहां पर 261 बिल्कुल ये कट ऑफ गया था पिछले साल एसटी के जो करगिल का सॉरी एसटी लद्दाख के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जाता है, तो आप खुद इस समय सिचुएशन देखिए लद्दाख की कि विंटर्स होते हैं तो उनका वैली से कोई रابطہ ही नहीं रहता, विंटर्स में वैली के साथ कोई रابطہ ही नहीं रहता, मेन सेंटर से कोई रابطہ ही नहीं रहता। तो आप खुद देखिए एक वो स्टूडेंट जो लद्दाख में रहता है और एक वो स्टूडेंट जो कश्मीर के श्रीनगर इलाके के अंदर रह रहा है, तो आप खुद डिफरेंस देखिए उनके एजुकेशन के अंदर कितना डिफरेंस होगा, किस लेवल का बैकग्राउंड उनका रहा होगा। तो आपका पॉइंट तो यहां तक ठीक है बट रिजर्वेशन सिस्टम गुड, आप ठीक कह रहे हैं। फिर यहां पर गुड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, बिल्कुल बिकॉज नो वन इज इन लोअर सेक्शन इज फाइनेंशियली सो स्ट्रॉन्ग टू गेट वैल्यूएबल एजुकेशन टू कंप्लीट विद, बिल्कुल सही बात, मैं आपसे एग्री करता हूं रिजर्वेशन सिस्टम का होना जरूरी है लेकिन यहां पर आपने पॉइंट लाया है फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो देखिए आप सही कह रहे हैं कि एक ऐसा स्टूडेंट ओपन मेरिट जिसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है वो अच्छी कोचिंग ले सकता है या अच्छे जो है ले सकता है बट एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो नहीं ले पाते तो उनको रिजर्वेशन होनी चाहिए, बिल्कुल आपका पॉइंट है। उसके बाद अगली कमेंट है सिस्टम दैट विल नेवर बी इराडिकेटेड बिकॉज हु विल वांट टू वर्क हार्ड व्हेन यू कैन गेट लकी, बिल्कुल इनका भी यही कहना है। तो अच्छी सोच रखते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्टूडेंट्स से तो यही उम्मीद है कि जो है वो एक अच्छी उम्मीद ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें रिजर्वेशन इज ट्रूली अ कर्स ऑफ फॉर ओपन मेरिट, अ स्टूडेंट फ्रॉम गोइस हुज फादर मदर इज अ डॉक्टर, दे हैव देयर ओन हाउस इन श्रीनगर, ही इज स्टडिंग इन कश्मीर टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट बट एट द सेम टाइम ही इज यूजिंग एसटी कैटेगरी, दिस इज टोटली अनफेयर, दिस रिजर्वेशन सिस्टम शुड बी टोटली एबॉलिशड नाउ, इन शॉर्ट इट इज ज़ुल्म इफ एन ओपन मेरिट स्टूडेंट हु हैज अ स्टेट रैंक ऑफ 300 कैन गेट एमबीबीएस अबाउट बट एसटी स्टूडेंट। देखिए आपका ये पॉइंट मैं एग्री करता हूं, आपका कहना है कि एक स्टूडेंट जिसने फॉर एग्जांपल जो है काफी 90s से वो शुरू है उनकी एसटी सर्टिफिकेट उनके पास अवेलेबल है और अब तक उनके जो फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि उनका मदर या उनका फादर डॉक्टर हैं, बिल्कुल, और आप कह रहे हैं कि अब उनका स्टूडेंट भी एसटी से ही बिलोंग कर रहा है। देखिए आपका ये पॉइंट ठीक है बट मैं आपको कह दूं कि एक जो सिस्टम यहां पर मुझको लग रहा है कि चेंज होना चाहिए दैट इज एसटी सर्टिफिकेट जब स्टूडेंट्स बनाते हैं तो वहां पर आप उनकी जो फाइनेंशियल या इनकम सर्टिफिकेट को नहीं देखा जाता, बिल्कुल ये पॉइंट मैं एग्री करता हूं। हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट्स हर एक चाहता है कि रिजर्वेशन सिस्टम को होना चाहिए। इसके बाद इट इज इनजस्टिस, तो कोई बिल्कुल यहां पर इनका नाम ही लाल खून से जो है कुछ करके अकाउंट है तो ये कह रहे इट इज इनजस्टिस सर्वेंट ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, डियर सर मेरी ईडब्ल्यूएस, तो ये कुछ और ही इनका इशू है। हाँ यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर अलग है और वैलिडिटी अलग है, तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपका जो है अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें दैट फाइनेंशियल ईयर एंड ये जो दूसरा होता है दैट वैलिडिटी ईयर, तो आप इसको कंफर्म करें अपनी सर्टिफिकेट्स जो है
आप देखें यहाँ पर, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करें दैट फाइनेंशियल ईयर कब तक है इस साल। उसके बाद है सर क्या ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया चेंज हुआ, अभी तक तो नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है ये। हम आरबीआई वालों ने भी पहले एक टारगेट सेट करके रखा होता है, जैसे मेरा 450 तक था और मेरे 444 मार्क्स आए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आरबीआई स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए, और मेरा फोर्थ अटेम्प्ट भी है वो यहाँ पर देखिए। बिल्कुल पहले आरबीआई के लिए 20% रिजर्वेशन थी, अभी से रिड्यूस करके 10% कर दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर आरबीआई वालों के साथ क्या कहें इस पर, पहले 20% था, अब 10% रिड्यूस कर दिया है। लेकिन 10% देखिए मैं आपको समझाऊंगा आखिर पे चल के, मैं डिस्कस करूंगा, इट इज नेसेसरी इवल। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें इज गुड, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी, होप सून। जुल्म, ग्लोबल टैक्स करके कुछ अकाउंट है वो कह रहे हैं ये जुल्म है, सर्वेंट ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, बोपी से किसी की बात हुई, आरबी वालों के लिए जुल्म। तो ये थे कुछ व्यूज, इसके अलावा भी कुछ और व्यूज हैं इसके ऊपर, मैंने एक और कम्युनिटी, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं रिसेंटली मैंने चलाया था और इस पर भी कुछ व्यूज आए स्टूडेंट के, ए टू मोटिवेशन, देयर शुड बी मोर रिजर्वेशन फॉर पीएसपी स्टूडेंट्स। यही तो कॉन्फ्लिक्ट इस समय चल रहा है बिटवीन द पीएसपी एंड एसटी कैटेगरी के बीच में। अल्ताफ हुसैन, शुड बी मोर रिजर्वेशन फॉर पीएसपी कम्युनिटी बट नेवर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एसटी कम्युनिटी, जाहिर सी बात है। अच्छी यहां पर कमेंट है, इसके बाद टू बी ऑनेस्ट भाई, जो लोग रियल में रिजर्वेशन रिजर्व करते हैं वो 10th तक पढ़ते ही नहीं, जो भी एसटी एससी बिलोंग करते हैं 90% स्टूडेंट कोचिंग एफर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट हैज गिविंग रिजर्वेशन फ्रॉम द डेटा ऑफ 1950, बिल्कुल एक्यूरेट बात है यहां पर। यहां पर चलिए हम एक क्या करेंगे, मैं आपको अब समझाऊंगा दैट ओवरऑल रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो किस तरह हो तो बेहतर रहेगा, हम देखेंगे। इसके अलावा काफी से सेलिब्रिटीज ने भी कुछ पॉइंट आउट किया है दैट देखिए हमें किसी भी कैटेगरी को जो है पिन नहीं करना चाहिए, हम किसी एक कैटेगरी को ये नहीं कह सकते कि ये फायदा उठाकर यहां तक पहुंचे हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर कहीं तक पहुंचता है तो वो उसकी मेहनत से पहुंचता है, और हम किसी भी कम्युनिटी को नीचा नहीं दिखा सकते, हर एक कम्युनिटी बराबर है। ये डिपेंड रहता है भाई, आप कह रहे हैं कि एक कुछ सेलिब्रिटीज ने गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी को टारगेट किया था, मैं इसके खिलाफ हूं, ये बिल्कुल गलत है। हम किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते, हमें अपना आप सही रखना है और दूसरों के साथ अच्छा करना है, तभी जो है एक कम्युनिटी जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो पाएगी, तभी जो है आगे जो है आगे फील्ड्स में हम जा सकेंगे। तो हम देखेंगे दैट व्हाट किस तरीके का रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, आफ्टर ऑल इतने सारे व्यूज पढ़ने के बाद जहां तक मुझे लगता है दैट स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, देखिए अगर स्टूडेंट जो है वो जो है अच्छी तरीके से समझे पूरा पॉलिटिकल सीन इस रिजर्वेशन सिस्टम के पीछे क्या है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस समय जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दैट एसटी जो यानी कि ट्राइब है ये डिमांड कर रहा है दैट हमारी जो रिजर्वेशन है, इनकी जो रिजर्वेशन है कितनी, 10% इनकी रिजर्वेशन है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये इनका हक है, ये राइट है, एक एसटी स्टूडेंट के लिए राइट है, बिल्कुल उसे 10% रिजर्वेशन होनी चाहिए। अब इसके साथ हम एग्री करते हैं। दूसरा, यहां पर पीएसपी जो कैटेगरी है ये कैटेगरी डिमांड इस समय कर रही है दैट हमें कुछ और जो है रिजर्वेशन चाहिए, हम सब जानते हैं दैट 4% रिजर्वेशन है, बट पॉपुलेशन के हिसाब से दे आर डिमांडिंग एसटी स्टेटस उन्हें दिया जाए। अब यहां पर क्या है, कुछ लोग जो है इस समय फायदा उठा रहे हैं इस सिचुएशन का, एक पेंडेमिक क्रिएट कर रहे हैं वैली के अंदर ताकि जो उन्हें कुछ फायदा होगा। हमें इस पेंडेमिक को बीइंग अ स्टूडेंट हमें समझना चाहिए दैट अगर किसी का फायदा हो रहा है हमें उसके अंदर टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जाहिर सी बात है कि जो पीएसपी जो लोग हैं ये डिमांड कर रहे हैं रिजर्वेशन की, बट दे आर नॉट, वो ये नहीं कह रहे कि आप हमें एसटी कोटा में से दे, बल्कि उनका कहना है कि हमें एसटी स्टेटस दिया जाए। मतलब अगर 10% रिजर्वेशन इस समय एसटी को दी जा रही है, फिर अगर आप पीएसपी को भी एसटी के अंदर इंक्लूड करेंगे तो आपको ओवरऑल एसटी जो स्टेटस होगा इसकी रिजर्वेशन को फिर इंक्रीज करना होगा, इसकी रिजर्वेशन को फिर इंक्रीज करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस समय 4% रिजर्वेशन पीएसपी को है और 10% आप कह रहे हैं किसे है, एसटी मतलब स्टेटस को है, आप क्या करें ओवरऑल 14% रिजर्वेशन जो है आप पीएसपी को एसटी स्टेटस दें और साथ ही साथ एसटी की रिजर्वेशन को इंक्रीज करके ओवरऑल 14% रिजर्वेशन रख दें या 15% रिजर्वेशन जो है उसे रख दी जाए। अब जब मैंने व्यूज पढ़े स्टूडेंट्स की, मुझे यह समझ में आ रहा है दैट स्टूडेंट्स किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें उसका कहना क्या है। देखिए स्टूडेंट्स हर एक कैटेगरी जो है उसको जो है एक वीकेंड से डाटा इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, इनकम सर्टिफिकेट जो है वो मांगी जाती है जब आप क्या करते हैं कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाते हैं। अब इससे क्या होता है कि कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और उसका जो बैकग्राउंड है वो काफी ही अच्छा, बैकग्राउंड काफी ही अच्छा मतलब उसकी इनकम जो है वो ईयरली इनकम या एनुअल इनकम में उसकी अगर हम बात करें तो उसकी एनुअल इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है, 10 लाख से भी ज्यादा है, तो उस स्टूडेंट को या उस स्टूडेंट जो अब जिसके फॉर एग्जांपल एनुअल इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है तो उसको तो सर्टिफिकेट नहीं मिलनी चाहिए, वो ट्रीट होना चाहिए एज एन ओपन मेरिट। और एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी इनकम इससे कम रेंज के अंदर आती है उसको आप वो सर्टिफिकेट दें। कहने का मतलब यह है कि काफी सी कैटेगरीज का फायदा उठाकर पुराने सेंसस की बुनियाद पर आज जो है उन्हीं कैटेगरीज के अगर हम लोगों को देखें तो वो काफी बड़ी जो है वीकेंड से डाटा काफी अच्छी इनकम उनके पास आ गई है और कुछ कैटेगरीज जो है वो दबाई गई है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट दी जाती है या कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट क्लेम करता है उसको सबसे पहले जो है इनकम एक क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए। आप किसी स्टूडेंट को या किसी भी लोग को आप इनकम जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो फर्स्ट यू हैव टू सी द इनकम, आपको इनकम देखना चाहिए, आपको बैकग्राउंड देखना चाहिए, ये
ओवरऑल मुझे स्टूडेंट्स के व्यूज से समझ आया, मैंने स्टूडेंट्स के व्यूज को एक्सप्रेस करना चाहा आप लोगों के सामने। तो ये था ओवरऑल दैट अगर आप किसी को भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं तो आपको इनकम और बैकग्राउंड जरूर चेक करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ऐसा स्टूडेंट जो अच्छी खासी जो है इनकम के जरिए बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ रहे हैं और एक ऐसा स्टूडेंट वो फायदा उठाए और एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है वो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के अंदर जाए और वहां से कोचिंग ले पाए, उसके बाद कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर पाए, अगर उसके पास नहीं है उन जैसे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। हमें पता है कि जिस समय आपका जो एसटी स्टेटस होगा कितने पिछड़े हुए लोग हैं एसटी ट्राइब से या पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, अगर हम देखें तो उनको जहां पर ये लोग रहते हैं वहां पर इवन 11 12th की कोचिंग भी प्रोवाइड नहीं हो पाती। सो दे डिजर्व, वो डिजर्व करते हैं। हर एक स्टूडेंट को या कोई भी अगर रिजर्वेशन का फायदा उठाना है बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, बैकग्राउंड देखना चाहिए, एनुअल इनकम देखनी चाहिए, ये क्राइटेरियाज हो। और बिल्कुल ये जाहिर सी बात है दैट रिजर्वेशन सिस्टम इज गुड, ये कोई भी इवल नहीं है। ये रिजर्वेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड करने के लिए है जो एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लासेस या ट्राइब्स हैं उन्हें अपग्रेड करने के लिए ओवरऑल सिस्टम है। और हमें नहीं चाहिए कि हम किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करें। ऐसा ना हो कि कल को हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही कॉम्पिटेटिव एग्जाम नीट की बात करें, यहां पर एक एसटी स्टूडेंट कम मार्क्स लेकर अगर कॉलेज के अंदर जाएगा दूसरा ओपन मेरिट वाला स्टूडेंट कहेगा ये तो अपनी कैटेगरी की मदद से यहां तक पहुंचा, या कोई और कैटेगरी से फॉर एग्जाम्पल ओएससी कैटेगरी सीडीपी कैटेगरी का स्टूडेंट होगा कहेंगे कि ये आपने लो मार्क्स लेकर यहां पर आया है। देखिए आप जो है रिजर्वेशन सिस्टम इसीलिए नहीं रखा गया, हम किसी को भी कुछ नहीं कह सकते, यहां पर रिजर्वेशन सिस्टम इसीलिए है ताकि वो स्टूडेंट जो है आपने जो फैसिलिटीज दी वो उस स्टूडेंट ने नहीं ली है जो स्टूडेंट इस समय आपके साथ मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर है। तो रिजर्वेशन सिस्टम इज गुड बट देयर शुड बी सम लॉज, इसको स्ट्रिक्ट करना चाहिए दैट ओनली एंड ओनली डिजर्विंग स्टूडेंट्स जो है उन्हीं को ये मिलनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, आप अपने व्यूज शेयर करें जरूर आप क्या सोचते हैं और किसी भी कम्युनिटी को हम टारगेट नहीं करेंगे। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये था आज का वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।